नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार परेश्वर नाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य पटकथा की है, नवेंदु घोष फणीश्वर नाथ रेणु। संवाद कहानी फणीश्वर नाथ रेणु पर आधारित फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र, अभिनीत राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना। छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल। संगीत दिया है शंकर जयकिशन, शैलेंद्र। गीत हसरत जयपुरी। गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले। रिलीज की तारीख 1966। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है, जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त तो पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ बुरे में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए बांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई वहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन
हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी, और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में, राज कपूर वहीदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिव रतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसा राम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकर मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन रे झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।
और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम, तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नविंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नविंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु, संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र, अभिनीत राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना, छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल, संगीत दिया है शंकर जयकिशन शैलेंद्र, गीत हसरत जयपुरी, गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले, रिलीज की तारीख 1966, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ बुरे में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए बांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई वहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन
और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने और बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी, और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में, राज कपूर वहीदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसाराम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन रे झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार परेश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है।
फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नविंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नविंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु। संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित। शैलेंद्र अभिनीत राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना। छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल। संगीत दिया है शंकर जयकिशन, शैलेंद्र। गीत हसरत जयपुरी। गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले। रिलीज की तारीख 1966। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ बुरे में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए मांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई वहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन
के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरा मन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीरा भाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीरा भाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरा मन हीरा भाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीरा भाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरा मन गाँव का मेला छोड़कर अपने गाँव लौट जाता है। हीरा भाई हीरा मन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी और फिर चली गई। हीरा मन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरा मन के रूप में, राज कपूर वहीदा रहमान हीरा भाई के रूप में, दुलारी हीरा मन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरा मन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसा राम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकर मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकर आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन रे झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार परेश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नवेंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु, संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु,
पर आधारित परेश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र, अभिनीत, राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना, छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल, संगीत दिया है शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, गीत हसरत जयपुरी, गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले, रिलीज की तारीख 1966, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार: लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ बुरे में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है, फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए बांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई वहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया।
उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी, और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में, राज कपूर वहीदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिव रतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसाराम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकर मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन रे झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम, तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार परेश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नवेंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु, संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र अभिनीत राज कपूर वहीदा रहमान रेहाना, छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल, संगीत दिया है शंकर जयकिशन शैलेंद्र, गीत हसरत जयपुरी, गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले, रिलीज की तारीख 1966,
कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ बुरे में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है, फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए मांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई बहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी, और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में राज कपूर
वहीदा रहमान हीरा बाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला और दोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसा राम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन ले झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम, तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार परेश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नवेंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु, संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र अभिनीत राज कपूर वहीदा रहमान रेहाना छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल संगीत दिया है शंकर जयकिशन शैलेंद्र गीत हसरत जयपुरी गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले रिलीज की तारीख 1966 कार्यकारी समय 159 मिनट देश भारत भाषा हिंदी तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है, जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है।
खासकर यात्रा, लोक, रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ बुरे में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए मांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई बहिदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में राज कपूर, वहीदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सीएस दुबे बिरजू के रूप में शैलेंद्र, रेहाना रेखा, नवेंदु घोष,
विश्व मेहरा, शिवाजी भाई, मनसाराम, बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकर मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकर आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन रे झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम, तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नवेंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु, संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र, अभिनीत राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना, छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल, संगीत दिया है शंकर जयकिशन शैलेंद्र, गीत हसरत जयपुरी, गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले, रिलीज की तारीख 1966, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से
उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ घोड़े में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें कथानक हीरामन राजकपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए बांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई बहिदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में राजकपूर, वहीदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसाराम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 आ आ वीजा इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर 2 चलत मुसाफिर इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं
और इस गाने के गायकार मन्ना डे हैं। गाना नंबर 3 दुनिया दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी। इस गाने के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर 4 हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल चैलेंजर लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 5 मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 6 खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर 8 सजन रे झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर 9 लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 10 किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम, तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नविंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य पटकथा की है, नविंदु घोष फणीश्वर नाथ रेणु। संवाद कहानी फणीश्वर नाथ रेणु पर आधारित फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र अभिनीत राज कपूर वहीदा रहमान रेहाना। छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल। संगीत दिया है शंकर जयकिशन शैलेंद्र। गीत हसरत जयपुरी। गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले। रिलीज की तारीख 1966। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरा मन की कहानी है, जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि
वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ घुड़े में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है, फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए मांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी मांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई बहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने और बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में राज कपूर, वहीदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में शैलेंद्र, रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसाराम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकर मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं।
गाना नंबर 5 मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर 6 खान पान खाए सैयां हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 7 सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर 8 सजन ले झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर 9 लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 10 किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम, तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नवेंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु, संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र, अभिनीत राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना, छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल, संगीत दिया है शंकर जयकिशन शैलेंद्र, गीत हसरत जयपुरी, गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले, रिलीज की तारीख 1966, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है, जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ बुरे में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है, फिर वह एक
नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए मांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई बहिदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी, और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में राज कपूर, बहिदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सीएस दुबे बिरजू के रूप में शैलेंद्र, रेहाना रेखा नवेंदु घोष, विश्व मेहरा शिवाजी भाई, मनसा राम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकर मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं।
गाना नंबर 8 सजन ले झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर 9 लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर 10 किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हर्षद जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम, तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार परेश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नवेंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु, संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र, अभिनीत राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना, छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल, संगीत दिया है शंकर जयकिशन शैलेंद्र, गीत हसरत जयपुरी, गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले, रिलीज की तारीख 1966, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है, जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ घुड़े में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है, फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक
लकड़ी व्यापारी के लिए बांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई बहिदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी, और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में, राज कपूर वहीदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसाराम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकर मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन रे झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों,
हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम। तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवीन्दु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य पटकथा की है, नवीन्दु घोष फणीश्वरनाथ रेणु। संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र अभिनीत राज कपूर वहीदा रहमान रेहाना। छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल। संगीत दिया है शंकर जयकिशन शैलेंद्र। गीत हसरत जयपुरी। गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले। रिलीज की तारीख 1966। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरा मन की कहानी है, जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ घुड़े में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए बांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई
बहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरा मन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने और बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में राज कपूर, बहीदा रहमान हीराबाई के रूप में दुलारी हीरामन की भाभी, भाभी के रूप में इफ्तिखार ठाकुर, विक्रम सिंह के रूप में केशतो मुखर्जी, शिव रतन के रूप में ए के हंगल, हीरामन के बड़े भाई के रूप में मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे, बिरजू के रूप में शैलेंद्र, रेहाना रेखा, नवेंदु घोष, विश्व मेहरा, शिवाजी भाई, मनसा राम, बी पेरियारा। संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकर मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन ले झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम। तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य। पटकथा की है नवेंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु। संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र, अभिनीत राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना। छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल। संगीत दिया है शंकर जयकिशन, शैलेंद्र। गीत हसरत जयपुरी। गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले। रिलीज की तारीख 1966। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है, जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ घुड़े में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए मांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई वहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन
हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी, और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में, राज कपूर वहीदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसा राम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकार शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकार मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकार हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन रे झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।
और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम, तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नविंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नविंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु, संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित शैलेंद्र, अभिनीत राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना, छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल, संगीत दिया है शंकर जयकिशन शैलेंद्र, गीत हसरत जयपुरी, गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले, रिलीज की तारीख 1966, कार्यकारी समय 159 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरामन की कहानी है जिसे नौटंकी की नर्तकी हीराबाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ बुरे में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए बांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई वहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन
और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने और बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरामन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीराबाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीराबाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरामन हीराबाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीराबाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरामन गांव का मेला छोड़कर अपने गांव लौट जाता है। हीराबाई हीरामन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी, और फिर चली गई। हीरामन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरामन के रूप में, राज कपूर वहीदा रहमान हीराबाई के रूप में, दुलारी हीरामन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरामन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसाराम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन ले झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तीसरी कसम मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तीसरी कसम 1966 की हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया है और गीतकार शैलेंद्र ने इसका निर्माण किया है। यह हिंदी उपन्यासकार परेश्वरनाथ रेणु की लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है।
फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के स्कोर की रचना की। फिल्म का छायांकन सुब्रत मित्रा ने किया है। संवाद फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे गए थे और पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी थी। निर्देशक बसु भट्टाचार्य, पटकथा की है नवेंदु घोष, फणीश्वरनाथ रेणु। संवाद कहानी फणीश्वरनाथ रेणु पर आधारित, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा मारे गए गुलफाम द्वारा उत्पादित। शैलेंद्र अभिनीत राज कपूर, वहीदा रहमान, रेहाना। छायांकन सुब्रत मित्रा द्वारा संपादित इकबाल। संगीत दिया है शंकर जयकिशन, शैलेंद्र। गीत हसरत जयपुरी। गीत प्रोडक्शन कंपनी छवि बनाने वाले। रिलीज की तारीख 1966। कार्यकारी समय 159 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। तीसरी कसम एक अपरंपरागत फिल्म है जो ग्रामीण भारतीय समाज को चित्रित करती है। यह एक भोले भाले बैलगाड़ी चालक हीरा मन की कहानी है जिसे नौटंकी की नर्तकी हीरा भाई से प्यार हो जाता है। यह फिल्म प्रदर्शनकारी कलाओं में महिलाओं के शोषण के मुद्दे से भी संबंधित है, खासकर यात्रा लोक रंगमंच में। तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस बम के रूप में उभरी। इसकी रिलीज पर एक फ्लॉप, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रपति का पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। सार लगभग गिरफ्तार होने के बाद हीरामन ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी किसी कालाबाजारी करने वाले की मदद नहीं करेगा और ना ही बांस का परिवहन करेगा। इस घटना से उसकी बैलगाड़ी तो चली गई, लेकिन उसने समय रहते अपने दो बैलों को निकाल लिया। वह एक गाड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का प्रबंधन करता है और एक मेले में 30 घंटे की सवारी पर एक महिला को ले जाने के लिए काम पर रखा जाता है। वह बाद में पाता है कि उसकी यात्री एक आकर्षक महिला हीराबाई है और वह उसके प्यार में पड़ जाता है। यह जानते हुए भी कि वह एक यात्रा करने वाली तवायफ है और यह आकर्षण है जो उसे एक शारीरिक विवाद के साथ साथ बुरे में भी ले जाएगा। ठाकुर विक्रम सिंह की पुस्तकें। कथानक हीरामन राज कपूर बिहार के सुदूर गांव का एक देहाती ग्रामीण बैलगाड़ी चालक है। हीरामन अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों के आधार पर दो प्रतिज्ञाएं लेता है। फिर वह एक नौटंकी नर्तकी हीराबाई से मिलता है और उसे दोस्ती करता है। अंत में हीरामन तीसरी प्रतिज्ञा लेता है। हीरामन के पारंपरिक और रूढ़िवादी मूल्य हैं। अपनी बैलगाड़ी पर अवैध सामान की तस्करी करते हुए और पुलिस से बाल बाल बचते हुए हीरामन फिर कभी अवैध सामान नहीं ले जाने का संकल्प पहली कसम लेता है। इसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के लिए मांस का परिवहन करते समय हीरामन का भार दो आदमियों के घोड़ों को परेशान कर देता है। इसके बाद दोनों लोगों ने हीरामन की पिटाई कर दी। इसके बाद हीरामन अपनी गाड़ी में फिर कभी बांस नहीं ले जाने की दूसरी कसम लेता है। एक रात हीरामन को नौटंकी नर्तकी हीराबाई बहीदा रहमान को 40 मील दूर एक गांव के मेले में एक यात्री के रूप में ले जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वे एक साथ यात्रा करते हैं, हीरामन समय बिताने के लिए गाते हैं और हीराबाई को महुआ की कथा की कहानी सुनाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हीराबाई हीरामन की मासूमियत और जीवन के सरल दर्शन से मंत्रमुग्ध हो जाती है। हीरामन हीराबाई को पवित्रता की परी के रूप में देखता है। एक बार जब वे गांव के मेले में पहुंचते हैं, हीरामन अपने बैलगाड़ी चालकों के बैंड में शामिल हो जाता है और हीराबाई नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाती है। हीराबाई ने हीरामन को उसका नृत्य देखने के लिए कुछ दिनों के लिए गांव के मेले में रुकने के लिए कहा। हीराबाई मेले की अवधि के लिए हर रात को नौटंकी देखने के लिए हीरामन और उसके दोस्तों के लिए मुफ्त पास की व्यवस्था करती है। जैसे ही हीरामन नौटंकी में जाता है, उसे पता चलता है कि अन्य लोग हीराबाई को एक वेश्या के रूप में देखते हैं और यह बात उसे परेशान करती है। वह उसे समाज से बचाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हीराबाई और हीरामन
के बीच का बंधन मजबूत होता जाता है। जब हीरा मन उन स्थानीय लोगों से लड़ता है जो हीरा भाई और उसके पेशे का अपमान करते हैं, तो हीरा भाई उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसके जीवन की कठोर सच्चाई है। हीरा मन हीरा भाई से अपना पेशा छोड़ने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहता है। हीरा भाई ने जाने से इनकार कर दिया। उदास महसूस करते हुए हीरा मन गाँव का मेला छोड़कर अपने गाँव लौट जाता है। हीरा भाई हीरा मन से मिलती है और उसे अपना रहस्य बताती है कि उसे बेच दिया गया था और वह कुंवारी सुंदरता नहीं थी और फिर चली गई। हीरा मन फिर तीसरी कसम लेता है कि वह फिर कभी नौटंकी कंपनी की नर्तकी को अपनी गाड़ी में नहीं ले जाएगा। ढालना मीता हीरा मन के रूप में, राज कपूर वहीदा रहमान हीरा भाई के रूप में, दुलारी हीरा मन की भाभी के रूप में, इफ्तिखार ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में, केशतो मुखर्जी शिवरतन के रूप में, ए के हंगल हीरा मन के बड़े भाई के रूप में, मेला उद्घोषक के रूप में असित सेन, सी एस दुबे बिरजू के रूप में, शैलेंद्र रेहाना रेखा नवेंदु घोष विश्व मेहरा शिवाजी भाई मनसा राम बी पेरियारा, संगीत सभी गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत शंकर जयकिशन द्वारा रचित है। गाना नंबर एक आ आ वीजा, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने को अपनी आवाज़ में लता मंगेशकर ने गाया है। गाना नंबर दो चलत मुसाफिर, इस गाने के गायकर शैलेंद्र हैं और इस गाने के गायकर मन्ना डे हैं। गाना नंबर तीन दुनिया बनाने वाले, इस गाने के गायकर हसरत जयपुरी, इस गाने के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने और इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर चार हाय गजब कहीं तारा टूटा, इस गाने के बोल शैलेंद्र लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर पाँच मारे गए गुलफाम, इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार लता मंगेशकर हैं। गाना नंबर छः खान पान खाए सैया हमारो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर सात सजनवा बैरी हो गए हमार, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर आठ सजन रे झूठ मत बोलो, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और गायकार मुकेश हैं। गाना नंबर नौ लाली लाली डोलिया में लाली रे, इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, इस गाने के गायकार आशा भोसले हैं। गाना नंबर दस किस्सा होता है शुरू, इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और इस गाने के गायकार मुबारक बेगम और शंकर शंभू हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।